पोको के F4 डिवाइस के लिए यहाँ पे कलर ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है, जिसका कमेंट आप लोग बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे कि यार अपडेट आ गया, वीडियो लेके आओ, अपडेट आ गया, वीडियो लेके आओ। तो यह है आपके सामने, इसे यूज़ करते हुए हो चुके हैं 1 डे, और यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है स्पेशली परफॉर्मेंस के मामले में, और इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ताकि आप डिसाइड कर पाओ इसे डालना है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको इसे डालने से पहले सोचने पे मजबूर कर देती है कि यूज करना चाहिए या फिर नहीं। और वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। यहाँ पे आप देखोगे AOD हमारा है जो प्रॉपर काम करता है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती, काफ़ी स्मूथ रिस्पांस देता है। यहाँ पे टैप टू बैकअप वगैरह भी आपका वर्किंग है, टैप टू लॉक वगैरह भी आपको जो यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है काफ़ी सही है। अनलॉकिंग एनिमेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पसंद आया मुझे। कंट्रोल सेंटर में कोई भी आपको जो लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता, अच्छा लगा। यहाँ पे जो डिफॉल्ट कैमरा दिया गया है वो है हमारा GCam का, और यहाँ पे जो डायलर है वो एक कलर वाइज वाला आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग से रिलेटेड लोचा नहीं होने वाला। ये है इसका अपडेटर सेशन, जहाँ पे आपको नेविगेशन बार वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, रीसेट वगैरह का है, डबल टैप वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, जो कि प्ले स्टोर वगैरह फिक्स का है, और ये सारी चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुई है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया गया हमारे मेंटेनर डेवलपर की तरफ से, और ये रियल में काम भी करता है, जो कि आपको पसंद आने वाला है। बस यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होता है, जो कि गेमिंग से रिलेटेड होता ना तो मज़ा सा आ जाता, क्योंकि यहाँ पे जो गेमिंग का सेटिंग मिलता है वो आपको एक्सट्रीम प्लस का मिलता है, अल्ट्रा एक्सट्रीम का नहीं मिलता। तो फोटो स्टोरेज है तो वो भी होना चाहिए था, बट मे बी कोई रीजन ही रहा होगा जिसकी वजह से ऐड नहीं है, तो शायद आगे चल के हमें देखने को मिले। अबाउट में आपको देखने को मिलता है कलर ओएस 15 बाई हमारे मेंटेनर हैं, यहाँ पे आपको रैम वगैरह और बाकी डर वर्जन वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको दिखाई देता है प्री प्लस का कर्नल एंड्रॉयड 15 और 1 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच, जो कि लेटेस्ट वाला यहाँ पे यूज करा गया है। सेटिंग के अंदर फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप करोगे ना, तो कहीं पे भी आपको जो उतना ज़्यादा अच्छा स्मूथनेस फील नहीं होता, जब तक कि आप 1 डे कम से कम इसे यूज नहीं करते। जैसे आपका 1 डे कंप्लीट हो जाता है इस रोम को यूज करते हुए, आपको हर जगह स्मूथनेस फील होने लग जाती है, लेकिन फर्स्ट डे आपको कई जगह पर स्लो वाली फीलिंग आती है, और आपका दिल शायद दुखी भी हो सकता है, यार अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, कैसे क्या करें। लेकिन 1 डे कम से कम इसे डालना, अगर आप डालने वाले हो तो उसके बाद आपको अच्छा फील होगा। बाकी यहाँ पे वही सारे कॉमन से ऑप्शंस मिलते हैं, बैटरी से रिलेटेड, डिजिटल वैल्यूइंग, पासवर्ड वगैरह, और हर बार की तरह यहाँ पे आपको वही फेस अनलॉक और जो ऐप लॉक वगैरह है वो डेड मिल जाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी आपको दिखाई देती है। बाकी डार्क मोड वगैरह, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सही है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑटो पे रहता है, जो कि 60 रहता है हमारा, जिसे आप स्टैंडर्ड पे कर लेना, ऑटो नहीं यहाँ पे रहता है स्टैंडर्ड जो कि 60, तो आप इसे 120 कर लेना, आपको स्मूथनेस जो बेटर फील होने लग जाएगा। यहाँ पे होम के लॉन्चर के अंदर वही सारे कॉमन से ऑप्शन है, राइज टू वैक वगैरह, डबल टैप वगैरह का, यहाँ पे मैनेज का, और फ्री रैम वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आप यूज कर पाओगे। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर यहाँ पे कई सारे आपको जो क्लॉक्स मिल जाते हैं, AOD वाला है वो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग क्लॉक्स फॉर्मेट दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ से जो भी चाहिए वो सेट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे कस्टम डालता हूँ तो देखते हैं कस्टम डालने के बाद क्या वो काम करता है या फिर नहीं, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली कस्टम ही यूज करूँगा, बस यहाँ पे अप्लाई किया और सेट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कस्टम भी आ गया है, इसका जो लाइट है वो थोड़ा सा डीम आपको देखने को मिलेगा, मे बी कैमरे में नज़र आ रहा होगा या नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे जो सिस्टम डिफॉल्ट वाला है वो आपको जो प्रॉपर अच्छे लाइट कंडीशन में देखने को मिल जाता है। तो जो कस्टम यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए हैं डिफॉल्ट वाले, उनमें आपको लाइट थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है, बट जो आप यहाँ से यूज करोगे उनमें आपको लाइट सही देखने को मिल जाता है। बाकी वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह ये सारी चीज़ आपके काम करते हैं, नो इशूज, रिसेंट वगैरह भी आपका काफ़ी स्मूथ काम करता है, लेकिन वहीं पर फर्स्ट डे में आपको हल्का फुल्का लैग जिटर डे वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये है जो हमारा सही तरीके से रिस्पॉन्स देता है। फ्री मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे 6+4GB में से आप देख सकते हो 5.38GB फ्री देखने को मिलता है। ऐसे भी कलर ओएस, रियलमी ओएस, ऑक्सीजन ओएस वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही रैम यूज कर लेते हैं और फ्री रैम थोड़ा कम छोड़ते हैं, ये इनका खुद का ही नेचर है, चाहे वो पोर्ट हो या फिर स्टॉक वगैरह के अंदर हो, तो उससे रिलेटेड कन्फ्यूज मत होना। बाकी यहाँ पे फोल्डर वगैरह के ऑप्शंस वही देखने को मिल जाते हैं। अगर हम विजेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको विजेट्स जो कि कलर ओएस वाला देखने को मिलते हैं वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ये लोड ले रहा है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और एक्चुअली मैं आपको पता है कलर ओएस चाइना का है, तो यहाँ पे चाइना वाला लैंग्वेज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी हद तक रिमूव किए गए हैं, बट जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको डिफॉल्ट देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे फाइल मैनेजर वगैरह आपका है जो कोई दिक्कत नहीं देता, और अगर सर्च बार की बात करें तो यहाँ पे सर्च बार कुछ इस तरीके से आता है, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है जो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं सजेशन वाले, और चाइना वाले कई सारे लैंग्वेज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अब रही बात परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। और हाँ, कुछ
लोगों का कंप्लेन ये भी आ रहा है कि इसे यूज करते हैं गेम स्पेस वगैरह को तो समटाइम ये एरर दे देता है। तो इसका एपीके अपडेटेड वर्जन दिया गया ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसे निकाल के अपडेट कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। और जैसे कि मैं हमेशा कलर ओएस ऑक्सीजन ओएस वगैरह में दिखाता हूँ कि जो रिजल्ट आते हैं ना टेस्ट रिजल्ट वो काफ़ी ज़्यादा वीक रहते हैं लेकिन यूज करते समय ऐसा फील नहीं होता, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप देखो गीकबेंच काफ़ी ज़्यादा डाउन है और वन डे के बाद जब मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ तो यहाँ पे हल्का फुल्का ही इंप्रूवमेंट आता है, कुछ ज़्यादा नहीं आता। ऐसे भी बहुत सारे रोम के अंदर इसमें गीकबेंच डाउन साइड ही रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि गेमिंग के अंदर आपको एक्सट्रीम प्लस ही देखने को मिलता है, अल्ट्रा एक्सट्रीम नहीं दिया गया, तो वो चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 44 के बाद मॉर्निंग में 41 आ जाता है, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप है, करीब 8-8.5 घंटे का स्टैंड बाई टाइमिंग है। यहाँ पे जितने भी कलर वॉइस वगैरह आते हैं ना उनमें जो KM जो यूज करता हूँ स्क्रीन ऑन टाइमिंग शो करने के लिए वो काम नहीं करता, ऑटो रिसेंस से गायब हो जाता है या फिर उसकी परमिशन डिनाई हो जाती है, तो वो लोचा यहाँ पे भी देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे अनटूट स्कोर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा ओवरऑल ठीक है, थोड़ा और बेटर हो सकता था लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिजल्ट आता है और हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिला जो कि 35 के आसपास ही टेम्परेचर गया है। अनदर बात करें CPU टोटल की तो 324,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 235,000 है, जहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ काफ़ी हद तक मैं कहूँ कि बेटर है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन वेस वगैरह पे कलर वेस वगैरह पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता लेकिन है। और आप चाह रहे हो जैसे कि हाइपर वेस वगैरह में आप प्रोफाइल का यूज करते हो बूस्ट कर लेते हो बूस्ट हो जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती चाहे वो आपका वन प्लस का डिवाइस क्यों ना हो या फिर पोर्ट क्यों ना हो, तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। डिवाइस सर्टिफाइड है काफ़ी अच्छी बात है, साथ साथ ये तीनों यहाँ पे पास देखने को मिलते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आप रोम डालते हो तो बार बार चेक मत करते रहना क्योंकि जब आप बार बार चेक करोगे ना तो गूगल इसे डिटेक्ट कर लेता है और स्ट्रॉन्ग वाले को फेल कर देता है। अगर डेवलपर ने मेंटेनर ने कहा है कि आपका पास है तो आप इसे बार बार चेक मत करना, अदरवाइज फिर बाद में आप ही कंप्लेन करोगे भाई ये फेल हो गया, क्योंकि जितनी बार हम चेक करते हैं ये गूगल के सर्वर पर जाता है वहाँ से चेक करके हमें वेरीफाई करता है और वैसे में गूगल डिटेक्ट कर लेता है और इसे फिर से बैन कर देता है, इसलिए कोई चीज़ है जो कुछ टाइम के बाद बैन होती रहती है। प्रॉब्लम यही होता है कि हम उसे बार बार चेक करके देखते रहते हैं कि सही है कि नहीं सही है कि नहीं। बस एक बार अगर आपको पता चल गया जैसे कि मैंने बता दिया किसी और ने तो उसे चेक मत करो, बस नॉर्मली यूज करो आपका काम करता रहेगा। और ये जैसा कि बूटलोडर स्पूफ भी ऐड किया गया है तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि काम नहीं करते हैं बूटलोडर अनलॉक करने के बाद, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको इशू देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई है जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने वाली है। बाकी कैमरा वगैरह हमारे यहाँ पे अच्छे से काम करता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि इनके रोम हमेशा हाइब्रिड आते हैं, आप चाहो तो अपने T12RP से डालो या फिर आप डाल सकते हो इसे जो बैट फायर रन करके, बट मैंने बैट फायर रन करके 2 टाइम यहाँ पे डाला और हमेशा बूट लूप देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आपके पास पोको F4 है तो अपने फोन का रिकवरी ऑन करो, लेटेस्ट FW डालो जो कि आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल होगा और उसके बाद रोम को फ्लैश करो T12RP से ही और फॉर्मेट एंड रिबूट कर दो। आप बैट फायर रन मत करना, हाइब्रिड वाला मेथड फॉलो मत करना, सिंपल रिकवरी ऑन करो, FW डालो लेटेस्ट वाला और साथ साथ यहाँ पे इस रोम को डालो, फॉर्मेट एंड रिबूट कर दो, आपका बूट कर जाएगा। क्योंकि मैंने ये ट्राई किया, एक दो लोगों ने और भी कमेंट कहा है कि भाई जब मैं फास्ट बूट कर रहा हूँ तो बूट लूप में चला जा रहा है, तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि बैट फाइल वाला काम करो इस बार, क्योंकि मुझे इशू मिला है तो शायद आपको भी देखने को मिले। तो बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इस अपडेट से रिलेटेड। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप AOSP हाइपर वगैरह यूज कर करते बोर हो गए हो तो कुछ नया UI ट्राई करना चाहते हो या फिर नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन है तो आपको लगेगा भाई यूज करने में मज़ा नहीं आएगा, नहीं, सारी चीज़ें अच्छी काम करती है। बट हाँ, आप हार्डकोर गेमिंग टाइप के यूजर्स हो तो मैं कहूँगा कि इसे मत ही डालना, लेकिन नॉर्मल बेसिक टाइप के हर चीज़ यूज कर लेते हो तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली इसे यूज करने से रिलेटेड। ओके, सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।